2022 में फिल्म प्रोड्यूसर और बायोटेक्नोलॉजिस्ट हाशिम अल घायली ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पब्लिश की। ये वीडियो एक्टो लाइफ पर थी, जिसमें यह दिखाया गया था कि किस तरह रेन्यूएबल एनर्जी को यूज करके बच्चों को आर्टिफिशियल बॉम्ब में पैदा किया जा सकता है। जिन भी वुमेन का कैंसर या किसी भी और वजह से यूट्रस रिमूव किया गया है, वो भी अब बच्चे को जन्म दे सकेंगी। एक्टो लाइफ उन कंट्रीज के लिए भी मुफीद है जहां पॉपुलेशन कम हो रही है, जैसे कि जापान, बल्गेरिया और नॉर्थ कोरिया। एक्टो लाइफ में 75 लैब्स होंगी और हर एक लैब में 400 बच्चों के लिए आर्टिफिशियल वॉम होंगे। वॉम में बच्चा बिल्कुल उसी तरह से ग्रो करेगा जिस तरह के वो मां के यूट्रस में ग्रो करता है। वॉम ऐसे मटेरियल से बने हैं जिनमें जंग चिपक नहीं सकते। हर एक वॉम में ग्रोथ डिटेक्टर लगे हैं जिनसे बच्चे की ग्रोथ का पता चलता रहेगा, जैसे कि बच्चे की हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ऑक्सीजन लेवल और टेम्परेचर। माँ बाप एप्लीकेशन की मदद से बच्चे की सारी एक्टिविटीज से बाखबर रहेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि माँ बाप तो बच्चे की लाइव वीडियो भी देख सकेंगे। एक्टो लाइफ के ग्रोथ पॉड में स्पीकर होंगे और माँ बाप जो काफी दूर अपने घर बैठे होंगे, वो इन स्पीकर की मदद से अपने बच्चों को कुछ भी बोल सकते हैं या फिर कोई भी म्यूजिकल साउंड सुना सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट को यूज करके देख सकेंगे कि ग्रोथ पॉड में क्या चल रहा है। एग्जैक्टली वही सुन सकते हैं जो बच्चा सुन रहा है और वही देख सकते हैं जो बच्चा देख रहा है। इसके अलावा माँ को एक वायरलेस सेप्टिक सूट भी दिया जाता है जो कि बच्चे के ग्रोथ पॉड के साथ कनेक्टेड होता है। अब इस सूट के जरिए माँ अपने बच्चे के किक्स को फील कर सकती है, जैसा कि वो करती अगर बच्चा उसके पेट में होता। इस लैब के अंदर दो बड़े बायो रिएक्टर्स होंगे जिनमें से एक में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन होंगे जो कि बच्चे को आर्टिफिशियल अम्बेलिकल कॉर्ड की मदद से दिए जाएंगे ताकि वो ग्रो कर सके। दूसरा बायो रिएक्टर बच्चे के वेस्ट को पॉड से हटाता रहेगा। अगर माँ बाप ज्यादा पैसे खर्चने के लिए तैयार हैं तो वो क्रिस्पर Cas9 जीन एडिटिंग टूल के जरिए 300 जीन अपने बच्चे के एडिट करवा सकते हैं, जिससे वो बच्चे के आई कलर, हेयर कलर, फिजिकल स्ट्रेंथ, हाइट और यहाँ तक के लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को भी पहले से ही चेंज करवा सकते हैं। डिलीवरी के टाइम में माँ को कोई भी पेन सहन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बटन को प्रेस करके डिलीवरी करवाई जा सकेगी, जिससे एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आ जाएंगे और माँ बाप अपने बच्चे को घर ले जा पाएंगे। पूरी ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए माँ बाप को बच्चे का DNA टेस्ट भी करवा कर दिया जाएगा ताकि इन्हें पता लगता रहे कि बच्चा उन्हीं का है। जो लोग ज्यादा कन्वीनियंस चाहते हैं उनके लिए पोर्टेबल सॉल्यूशन है, वो मिनिएचर बायो रिएक्टर को यूज करके अपने घर में ही अपने बच्चे को ग्रो करता हुआ देख सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट से माँ को डिलीवरी के बाद स्ट्रेस, हार्मोनल चेंजेस और बॉडी चेंजेस से तो बिल्कुल भी गुजरना नहीं पड़ेगा। अब कई लोगों तो को आर्टिफिशियल वॉर्म का कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन कई लोगों का रिएक्शन कुछ यूं था। ओके, तो सबसे पहला सवाल यह है कि एक्टो लाइफ क्या एक रियल कंपनी है? तो इसका जवाब है नहीं, एक्टो लाइफ कोई रियल कंपनी नहीं है और ना ही इन्होंने कुछ रियल बनाया है। ये वीडियो पब्लिश की थी हाशिम अल घायली ने अपने यूट्यूब चैनल पे ताकि वो अपने आइडिया को कम्युनिकेट कर सके कि हम फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन ये जानने के लिए कि हम आर्टिफिशियल वोमिंग के कितने करीब है, हमें 3 इम्पोर्टेंट रिसर्चेस को समझना होगा। रिसर्च नंबर 1, IVF इनविट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें होता यह है कि वुमेन की बॉडी हर नेचुरल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद एग्स प्रोड्यूस करती है। इन एग्स को निकाला जाता है नीडल की मदद से और आदमी के स्पर्म्स हर एक में डाले जाते हैं। ये स्पर्म्स नॉर्मली मैन की मास्टरबेशन के बाद मिलते हैं। इस प्रोसेस के अगले दिन एम्ब्रियोलॉजिस्ट चेक करता है कि एक फर्टिलाइज हुआ है कि नहीं। तीसरे दिन एम्ब्रियोलॉजिस्ट चेक करता है कि यह एक 6 से 8 सेल्स में डिवाइड हुआ है कि नहीं। और पांचवे दिन अगर सेल्स 100 या उससे ज्यादा हो जाए तो इस स्टेज को ब्लास्टोसिस्ट स्टेज कहा जाता है। इस वक्त एम्ब्रियो को वापस वुमेन की यूट्रस में दोबारा डाला जाता है। IVF बहुत ही कॉमन हो चुका है। 1978 को लुइस ब्राउन पहली बच्ची IVF टेक्नोलॉजी से बनी और एक नॉर्मल और हेल्दी लाइफ जी, और तब से लेकर अब तक 44 साल हो चुके हैं। IVF इतना कॉमन हो चुका है कि अब तक IVF से 50 लाख बच्चे पैदा हो चुके हैं। IVF उन पेरेंट्स की बहुत मदद करता है जिन्हें कंसीव करने में दिक्कत पेश आती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी वजह से किसी वुमेन की ओवरी रिमूव कर दी गई हो तो किसी डोनर वुमेन से एक लिया जा सकता है और IVF के बाद इसे मदर में इंजेक्ट किया जा सकता है और एक लेडी का माँ बनने का सपना पूरा हो सकता है। यह IVF यानी कि इनविट्रो फर्टिलाइजेशन 1978 से चलता आ रहा है, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि ब्लास्टोसिस्ट के बाद मेन काम है जब बच्चे के ऑर्गन्स बनना शुरू होते हैं और ये सिर्फ माँ के पेट में ही हो सकता है। फिर आती है हमारी रिसर्च नंबर 2 जो कि है डॉक्टर हिना की स्टडी। ये स्टडी चूहों पर की गई थी। एक चूहे को पैदा होने के लिए सिर्फ 20 दिन का वक्त दरकार है, जैसे कि एक ह्यूमन को 9 महीने का टाइम। अब इस स्टडी के लिए डॉक्टर जेकब हिना और इनकी टीम ने 7 साल तक मेहनत की और इसके बाद इन्होंने ये कर दिखाया कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के बाद भी चूहों के ऑर्गन्स माँ के पेट के बाहर भी डेवलप करवाए जा सकते हैं। इसके बाद इन्होंने ये किया कि एक प्रेग्नेंट चूहे के एम्ब्रियो को 3 से 4 दिन तक ही नहीं बल्कि पूरे 12 दिन तक जिंदा रखा, यानी ऑलमोस्ट हाफ प्रेगनेंसी स्टेज तक, जहाँ पर इसकी हार्ट बीट, इसकी लेग्स और इसके हेड को देखा जा सकता था। इसके बाद आती है थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसर्च, प्री मेच्योर लैम्स केप्ट अलाइव इन प्लास्टिक बैग्स। अब इस केस में डॉक्टर इमाइली पार्टेज और इनकी टीम ने एक भेड़ के बच्चे को पैदा होने से पहले ही बाहर निकाल दिया C-सेक्शन की मदद से। इस भेड़ के बच्चे के इतने ही ऑर्गन्स डेवलप हुए थे जितने के एक इंसान के 23 हफ्तों की प्रेगनेंसी में होते हैं। इसके बाद इसे एक ट्रांसपेरेंट बैग में रखा गया जिसमें लिक्विड था जो कि मां के पेट में मौजूद एमनियोटिक फ्लूइड ही
की तरह था। ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए और ऑक्सीजन को अंदर डालने के लिए इसके साथ कुछ मशीन भी अटैच की गई थी। माँ के पेट में ये काम प्लेसेंटा का होता है। अब इस केस में रिसर्चर्स ने रिपोर्ट किया कि इस लैम्प को प्लास्टिक बैग में 28 दिनों तक रखा गया और इसके ऑर्गन्स नॉर्मली ग्रो होते रहे जैसा कि माँ के पेट में होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बाद इन लैम्प्स को मार दिया गया ताकि इनके ऑर्गन्स को रिसर्चर्स स्टडी कर पाए। अब ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही इनह्यूमन लगता है, यार जानवरों के साथ ऐसा क्यों करते हो? लेकिन रिसर्चर्स का कहना है कि ये एक्सपेरिमेंट बहुत से लोगों की मदद कर सकता है। रिसर्चर्स का कहना है कि अगर कोई बच्चा प्री मैच्योर पैदा होता है यानी 39 वीक अपनी माँ के पेट में रहने के बजाय 23 हफ्तों में ही बाहर आ जाता है तो इसके ऑर्गन्स प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाते और इस तरह 100 में से 50 प्री मैच्योर बच्चे मर जाते हैं। ये कुछ ऐसा ही है कि हम एक मछली को पानी की जगह जमीन पर रख रहे हैं। इसलिए रिसर्चर्स का कहना है कि अगर इन बच्चों को आर्टिफिशियल वॉर्म्स में रखा जाए तो इनके ऑर्गन्स को ग्रो किया जा सकता है और इनके बचने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब इन तीन रिसर्चर्स को देख कर लगता है कि ओके तो हमने प्रेगनेंसी की सारी स्टेजेस को तो कवर कर ही लिया है, जैसा कि एक एक और स्पर्म को माँ के पेट के बाहर ही फर्टिलाइज करवाकर जिंदा रखा ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक। और फिर चूहों वाली स्टडी में हमने देखा कि ब्लास्टोसिस्ट फेज के बाद इनके ऑर्गन्स को भी डेवलप करवाया गया। इतना ही नहीं, भेड़ के बच्चे को बाहर निकालकर इसके ऑर्गन्स को फर्दर ग्रो करवाया गया। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम पूरा आर्टिफिशियली बच्चे को बाहर ग्रो करवा सकते हैं और क्या एक्टोलाइफ 2 बन सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। इसकी दो वजह है। इसकी पहली वजह यह है कि अभी तक डॉक्टर जेकब हीना की चूहों वाली स्टडी इंसानों पर नहीं की गई और न ही लैम्प वाली स्टडी इंसानों पर की गई है। इसका एक रीजन यह है कि गवर्नमेंट इतना जल्दी परमिशन नहीं देती इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और दूसरी बड़ी वजह कि हम आर्टिफिशियल वॉर्म नहीं क्रिएट कर सकते वो यह है कि अभी भी ह्यूमन प्रेगनेंसी में ऐसे बहुत सारे स्टेजेस हैं जिन पर रिसर्च हुई ही नहीं और ना ही किसी जानवर के केस में किसी जानवर को हम शुरू से लेकर आखिर तक पूरी तरह से आर्टिफिशियल वॉर्म में पैदा करवा सके हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि आर्टिफिशियल वॉर्म की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, चाहे फिर उसे सारी वुमेन यूज करें या फिर ना करें। और इन लोगों के आर्गुमेंट्स हैं कि 3 लाख वुमेन की डेथ हर साल चाइल्ड बर्थ से होती है और इन लाइव्स को हम बचा सकते हैं। और इतना ही नहीं, बेबी डिलीवरी के बाद 50% वुमेन अपनी जॉब छोड़ देती है और इसके बाद 27% वुमेन ही वापस अपनी जॉब को कंटिन्यू कर पाती है। और इसके बाद देखा गया है कि कई लोग आर्टिफिशियल वॉर्म को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इनका कहना है कि ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम फैक्ट्री में आईफोन बनाते हैं। लोग ये आर्गुमेंट भी देते हैं कि आर्टिफिशियल वॉर्म में ग्रो होने वाले बच्चे और माँ के दरमियान में इमोशनल कनेक्शन डेवलप नहीं हो पाएगा जैसा कि नॉर्मली होता है जब बच्चा अपनी माँ के पेट में ग्रो करता है। एक्चुअली आर्टिफिशियल वॉर्म को लेकर लोगों ने ट्विटर पर बहुत क्रिटिसाइज किया। कई लोगों ने तो इसको मैट्रिक्स की मूवी के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया। जी हाँ, तो हमें लगता है कि ये चीजें सच होने वाली हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि हमें इस टेक को डेवलप कर लेना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके आगाह करें। आई होप दिस वीडियो वॉज फेवरेट फॉर यू। इस चैनल पर आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी।